खुलेगा। ओके सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वी आर फ्रॉम 15। नाउ कम टू द पॉइंट, वी विल डिस्कस लेटर दैट थिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड वी आर डिस्कसिंग क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट एंड क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट वी हैव डिस्कस्ड द एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग जॉब। We have discussed the advertisement if you have to sell and purchase something and if you have lost and found something. तो vehicle for sale भी हो चुका है, property for sale हो चुका है, lost and found हो चुका है, है ना, to let भी हो चुका है। So we have discussed four categories, है ना, four category हम लोग discuss कर चुके हैं। Today we will discuss another category, that is मैट्रीमोनियल, सीकिंग अ बॉय और गर्ल फॉर मैरिज, है ना, शादी के लिए लड़की या लड़का ढूंढना, उसके लिए किस प्रकार से आप लोग एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे। सो जस्ट मेक हेडिंग, ऊपर हेडिंग बना लो बेटा, सीकिंग अ बॉय और गर्ल फॉर मैरिज, सीकिंग अ बॉय और गर्ल फॉर मैरिज। Seeking a boy or girl for marriage. तो जैसा अभी तक करते आए हैं, with the help of the question we will understand how to complete it. सीधा एक question के through मैं इसको समझाऊंगा कि इसको कैसे complete करना है. So just like others, it is also very easy. So do one thing, write down question. Question लिखिए, लिखो draft a suitable, draft a suitable advertisement, draft a suitable advertisement seeking a match for a Hindu kayasth boy, 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 full stop. क्या ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट, सीकिंग अ सुटेबल मैच फॉर अ हिंदू कायस्थ बॉय, फॉर द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ द न्यूज़पेपर, उसी में लिख लो, फॉर द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ द न्यूज़पेपर, फॉर द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ द न्यूज़पेपर, इन अबाउट 50 वर्ड्स, फॉर द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ द न्यूज़पेपर in about 50 words. In about 50 words. तो देखिए, मैंने क्या बताया था, that if you are searching a boy or girl for marriage, तो जो main heading होती क्या डलती है बेटा, यहाँ पर क्या यूज करते, yes, matrimonial. तो जो हमारा मेन हेडिंग होगा, दैट शुड बी मैट्रिमोनियल एंड इट शुड बी इन द मिडल ऑफ द पेज। मैट्रिमोनियल, ठीक है। अब शुरुआत किससे करेंगे, क्या करना है यहाँ पे, जैसे सीकिंग अ सुटेबल मैच, तो सीधा वही जो क्वेश्चन में दिया गया वहीं से लिखना शुरू कर दो। जैसे यहाँ से लिखेंगे लाइन छोड़ के, Seeking a suitable match for a Hindu kayasth boy. जैसे बेटा शादी के लिए कोई लड़का या लड़की ढूंढना हो, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप बताना चाहेंगे, जैसे दूसरा अगर कोई देखना चाहे तो वो कौन कौन सी चीज़ें देखना चाहेगा,
मीन्स क्वालिफिकेशन का हो, क्वालिफिकेशन। हाँ, और हाँ, हाइट, वेट, सैलरी। सबसे पहले तो बेटा शुरू होता है रिलीजन एंड कास्ट। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे रिलीजन और कास्ट क्वेश्चन में मोस्टली दिया जाता है, वो लिख दिया है रिलीजन हिंदू है, कास्ट कायस्थ है। रिलीजन और कास्ट हो जाता है। इसके बाद एज, और किसकी एज बताएंगे आप, लड़की, जैसे यहाँ पे एक लड़के के लिए लड़की चाहिए तो किसकी एज बताएंगे, लड़के की या लड़की की? लड़के, क्योंकि लड़के ही की पता होगी ना, तो सारा डिटेल लड़के ही का भर देंगे कि ये लड़का है इसके लिए लड़की चाहिए। तो ऐसे लिख दिया, बॉय एज 28, हाइट 5.8, वेट 68। तो एज हो गया, हाइट हो गया, वेट हो गया। अब और क्या जानना चाहेंगे? स्किन कलर नहीं जानना चाहेंगे, वो भी बताते ना। तो लिख दिया फेयर, हाँ फेयर इन कॉम्प्लेक्शन, तो ये तो हो गया मेरा पूरा फिजिकल डिस्क्रिप्शन उसका, कितनी हाइट होनी चाहिए। लिख पहलो ले सब है, लिखने के लिए तो मैं 2 मिनट छोड़ ही देता हूँ कि लिख लो बेटा। लिखा हुआ तो ये सब 11th का भी रखा है, 11th में भी कराया ही था ना बेटा, सब ऐसे ही लिखा रखा होगा। तो समझ लो वो ज़्यादा बेटर। तो सिंपल सा आपने क्या करा, रिलीजन बता दिया, कास्ट बताया सबसे पहले, फिर आपने उसकी एज बताई, देन हाइट और वेट बताया, उसके बाद आपने स्किन कलर बता दिया। तो ये पूरा फिजिकल डिस्क्रिप्शन हो गया। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन और जॉब। तो सपोज करिए आपने लिख दिया बीटेक, क्या बेटा? कायस्थ बोलते हैं, लाला श्रीवास्तव, निगम, खरे, सक्सेना, इनको कायस्थ बोलते हैं बेटा, है ना? तो बीटेक क्वालिफिकेशन हो गया। वर्किंग इन कुछ भी लिख दो, लिख दिया रिलायंस, वर्किंग इन रिलायंस। सैलरी या तो सीधा खोल देते या फिर अच्छी सैलरी है तो क्या लिख देते, हैंडसम सैलरी। हैंडसम सैलरी, और उसके बाद फुल स्टॉप लगा के कॉन्टैक्ट। तो ऐसे कंप्लीट कर लेते। तो सिंपल सा बेटा आपको याद रखना है कि आपको क्या क्या बताना है, रिलीजन, कास्ट, एज, हाइट, वेट, स्किन कलर, क्वालिफिकेशन, जॉब और सैलरी। इतनी चीज़ें आप बताएंगे किसी भी एडवर्टाइजमेंट में जो आप मैरिज के लिए पोस्ट कर रहे हो। सो नाउ रोट इट डाउन, अगर बचा हो, ये तो पहले ही लिख डाला है, लिख लो जिसका रह गया हो, कंप्लीट इट। जब हो जाए तो बताइएगा। ठीक है बेटा, हो गया सबका? ठीक है, अब एक ऐसे करके दिखाइए, लिखिए।
जैसे लड़के का था, अब लड़की के लिए ऐसे बनाइए। लिखो ड्राफ्ट अस, ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट, ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट, ड्राफ्ट अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट, सीकिंग अ सुटेबल मैच, seeking a suitable match for a Punjabi Sindhi girl, for a Punjabi Sindhi girl, for the classified column of the newspaper, for the classified column of the newspaper in about 50 words, for the classified column of the newspaper in about 50 words, करिए इसको बेटा।